का हाल बा? बढ़िया बा, रहुआ के का हाल बा? नहीं बुरा माने, राहुल गांधी मेरे मौसी के बेटे थोड़े ही हैं। एक तो पहले मैं आपको बताऊं, इन लोगों की ऐसी यात्राओं में किराए की जनता होती है, जनता भी किराए की ही होती है। रैली में जाके आप ऐसे बोलेंगे तो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस वाले बुरा मानेंगे? नहीं बुरा माने, राहुल गांधी मेरे मौसी के बेटे थोड़े ही हैं। ये मनोज तिवारी जी बोले ऑन कैमरा, ये आपको अगर वो सुनेंगे तो मैं जरूर उनको बताऊंगी कि आप जो है कला के साथ न्याय कर रहे थे चचा, जब आप गा रहे थे कुर्ती के टूटल बा बटमिया घुमेलू बाजार में मोहनिया, आपको शर्म नहीं है ये गाते हुए? हमरा मड़वा में आईहा भसुर धीरे धीरे। इस क्वेश्चन का आंसर आप धीरे से दे सकती हैं, फेवरेट भोजपुरी गाली। और ये बड़ा अजीब अजीब टाइप का गाली है। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा, बिहार में ईवा। तो बिहार के लोगों का इज्जत एकदम यहीं पे, कुछ हुआ नहीं कि इज्जत। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इन लोगों ने लहंगा चोली सबसे पहले करके अपना दायरा ही सीमित कर लिया कि अब तो हम लहंगा से बाहर निकलेंगे। आपको पता है एक गाना इन्होंने लिखा, लहंगा में घुसल सियार बा, ठीक है, विनोद नाम का एक हैंडल है, हम विनोद, वो लिख रहे जस्टिन बीरबल ऑफ बिहार। इसका मतलब क्या है? जस्टिन बीबर एक वेस्ट का सिंगर, बेबी 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 ओ वाला नहीं सुनते अंग्रेजी गाने? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, एक नहीं मतलब मैं करूँ फ्लुएंटली बगैर रुके 7-8-10 कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने बड़ी चंट थी। हाँ। और एक चीज, हरियाणवी गाना मुझे एक आता है, मामन गज का दामन पैन मटक चालूंगी, वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक जिप्सी वाला भी एक वायरल है। अच्छा ये भी है, थानेदार बालम थानेदार चला मेरा, जिप्सी हाँ, मेरा बालम थानेदार। हाँ, इन गानों पे हम लोग नाचते हैं। बिल्कुल, ये अविनाश राय जी के लिए है, आजा बाजा सोर कैले पिपिहिरियो नाले आइले रे, चंदनवा का बहनी के सोटा मारो नौवा सैले रे। अनकट जितने सारे लोग देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज तो हमें भी बुलाया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए पसंद करें। का हाल बा? बढ़िया बा, रहुआ के का हाल बा? बहुत बढ़िया। तो भारत जोड़ो में कैसे कैसे? भारत जोड़ो में मुझे इन्विटेशन मिला था। अभी जब यात्रा बागपत, यही मैं दिल्ली में रहती हूँ, बागपत यहाँ से करीब में भी है, तो मैं गई थी। तो भारत जोड़ो पे भी कोई गाना बना है? नेहा ने कोई गाना बनाया है? बिल्कुल नहीं, नहीं और कभी नहीं। हाँ। नेहा बेरोजगारी महंगाई के गीत गाती है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा पे मैं क्यों गीत गाऊंगी? क्या लगा लोगों से बात करके राहुल गांधी को, मतलब 24 में पीएम की कुर्सी मिलने की पॉसिबिलिटी है 29 में? मुझे नहीं पता कि 2024 में इन्हें कुर्सी मिलेगी, 29 में मिलेगी या कभी भी नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं जानती। लेकिन एक चीज है कि इस यात्रा से जरूर इनको फायदा होगा। तो जनता का मूड पता नहीं चला बातचीत करके अभी, मतलब जनता क्या चाह रही है थोड़ा बहुत जो रास्ते में? एक तो पहले मैं आपको बताऊं, इन लोगों की ऐसी यात्राओं में किराए की जनता होती है, जनता भी किराए की ही होती है। रैली में जाके आप ऐसे बोलेंगे तो राहुल गांधी मतलब कांग्रेस वाले बुरा मानेंगे? नहीं बुरा माने, राहुल गांधी मेरे मौसी के बेटे थोड़े ही हैं। वो एक नेचुरल भीड़ दिखाने की, ऑर्गेनिक भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भीड़ होती भी है, कई बार ये भीड़ नहीं भी होती है। अब उनसे बुलवा लो तो वो केवल अपने उसी पार्टी का जिंदाबाद नारा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार उन्हें कोई कपड़ा मिल दे दिया है, कोई बिहार वहार की बात करें तो कोई दारू शराब दे दिया है, इस तरह की चीजें पे ये लोग बहला फुसला लेते हैं। नीतीश जी एक समाधान यात्रा निकालने वाले, तो इनविटेशन मिला तो उसमें भी जाएंगे? हाँ, समझने जरूर जाएंगे कि क्या है। अच्छा जानते हैं एक चीज, इसका बड़ा फायदा भी है। हाँ। आप जब जमीन पे उतरते हैं, आप जब किसी यात्रा को या फिर कोई भी चीज जब अपनी आंखों से, एक तो हो गया मीडिया के द्वारा दिखाया हुआ, हम अपने अंदर घर के अंदर रजाई में बैठे हुए हैं और मोबाइल खोल के या टीवी खोल के देख रहे हैं कि मीडिया ये खबर बता रही है, और एक होता है कि अपनी आंखों से देखना, तो इसका बड़ा है ना अलग ही असर पड़ता है, अलग चीज देख पाते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू किया था मैंने अभी एमसीडी इलेक्शन के टाइम पे, तो मनोज तिवारी मतलब उनका से पूछने की बिहार है मतलब जो नया सिंगर आओ तो लो वो में केकर बड़ सिंगर बनने के चांस बा, तो जब अपन नाम लिहल गई तो उनका कहे मतलब रहे कि नेहा जौन तरीके के गाना गौतरी या जौन तरीके के काम करतरी, नेहा के एक राजनीतिक पहचान बना था, तो या तो उनका पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेवे के चाहिए और ना तो अपन कला संगे अन्याय करतरी। ये मनोज तिवारी जी बोले ऑन कैमरा, ये आपको अगर वो सुनेंगे तो मैं जरूर उनको बताऊंगी कि आप जो है कला के साथ न्याय कर रहे थे चचा, जब आप गा रहे थे कुर्ती के टूटल बा बटमिया घुमेलू बाजार में मोहनिया, आपको शर्म नहीं है ये गाते हुए? आप मुझे कह रहे हैं जो लड़की
बेरोजगारी के गीत गाती है। आज फिर से बिहार में मैं आपको बता दूं मनोज तिवारी जी कि स्टूडेंट पीटे गए हैं, पुलिस उन पर लाठियां बरसाई हैं। यहाँ दिल्ली में बिहार के लोग आकर के ठेला लगाते हैं, है ना, होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। उन दबे कुचले लोगों की बात जब बिहार की, आप ही के जिला की एक लड़की गीत गाती है, तो आप कहते हैं कि कला के साथ अन्याय कर रही हूं मैं। आप बड़ा न्याय कर रहे थे, हैं, जब आप गा रहे थे बेबी बीआरपी के, आप बड़ा न्याय कर रहे थे जब आप गा रहे थे डबल चोटी वाली तो अगर टांग ले जाई हो। देखिए मैं आपको बता रही हूं, ये लोग मुझे बोलने की औकात नहीं रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप डिसाइड थोड़े ही करेंगे कि मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए। मतलब मुझे अपनी बात कहने के लिए या जनता की बात अपने लोकगीत के माध्यम से कहने के लिए क्या है, क्यों जरूरी है कि मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूं? और वो कंपटीशन फील कर सकते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता, हम तो नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग पे एक थोड़ी बातचीत करनी थी कि जैसे मनोज तिवारी की भी ट्रोलिंग हो रही है, मतलब इस तरीके का ट्रोलिंग ठीक है? अरे भैया आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, खूब फूहड़ गाने गाया, खूब अश्लील गीत गाया, ठीक है, एकदम गंध फैला दिया पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, भोजपुरी की एक घटिया छवि बना दी। अब वो व्यक्ति भोजपुरी बचाओ आंदोलन की बात करने लग जाए, अब कोई व्यक्ति, है ना, बच्चे पैदा किए पड़ा है, ठीक है, बेटा के इंतजार में तीन तीन बेटी, चार चार बेटी पैदा कर ले रहा है, खुद तो पैदा कर लिया, और इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेगा, उसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए। ट्रोलिंग पे बात चल रही थी तो मैं आपका अकाउंट देख रहा था, ट्विटर अकाउंट, आपने एक फोटो अपनी ट्वीट की है 12 तारीख को, है ना, उस पे एक कमेंट्स है, तो जिस तरीके के कमेंट्स है उस पे मैं चाहूंगा कि आप, मतलब जिन लोगों ने कमेंट किया उनको दो दो वर्ड्स में या एक दो सेंटेंसेस में रिस्पॉन्ड करें। से छपरा जिला नाम का एक हैंडल है, वो लिख रहा है कि फोटो में फिल्टर बा। हमको फिल्टर पसंद भी है फोटो में, ऐसे व्यक्तित्व में फिल्टर नहीं। और फिल्टर आज के जमाने में सभी लगा रहे हैं यार, हमको लगता है कि थोड़ा यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं, थोड़ा सा और सुंदर बना करके दिखेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, विनोद नाम का एक हैंडल है, हम विनोद, वो लिख रहे हैं जस्टिन बीरबल ऑफ बिहार। इसका मतलब क्या है? जस्टिन बीबर एक वेस्टर्न सिंगर, बेबी 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 ओ वाला, नहीं सुनते अंग्रेजी गाने? मैं हिंदी गाने भी बहुत कम सुनती हूँ, भोजपुरी। अच्छा तो मैं वैसे ही दिख रही हूँ। अब वो एक राहुल त्यागी पूछ रहे कि अब बिहार में काबा, आई थिंक वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे कि अभी थोड़े दिन पहले एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन के आगे, तो आई अज्यूम कि वो यही क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा, बिहार में ईबा। ठीक है, उर्वशी पूछ रहे हैं कि सर्दी में काबा, सर्दी में नाक जाम बा, यही बा। एक आधे और देख लेते हैं, इनको भी, मतलब बीजेपी के राज में मौज है अति सुंदर, कुछ ढंग का दिखाओ मैम आपको बहुत नहीं। लोग बड़े बदमाश भी होते हैं। हाँ हाँ, सैयद जुबैर कादरी, अगर ये उनका ओरिजिनल हैंडल है, तो वो लिख रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को आपसे सीखना चाहिए कि वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। ओके ठीक है, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है तो ठीक है, दीपिका पादुकोण को दीपिका से सीखना चाहिए कि उसे क्या पहनना चाहिए। फेवरेट भोजपुरी गाना, शारदा सिन्हा जी का गावल, अमवा महुआवा के झूमे डढ़िया, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया, मोर बाड़ू सांवर ना गोर बड़े हो, ऐसे बाड़ू हो ऐसे करके, तो ये दो है। और भी एक दो है, भरत शर्मा व्यास जी का गाना, लाले रंग से नूरा बा लाले रंग चुनरिया, हाँ होकी लाले रंग वाना। हाँ, फेवरेट भोजपुरी लोकगीत, हथिया हथिया सोर कैले गदहो, ये प्लीज हमारे एक अविनाश राय है, वो मतलब मेरे बगल से आते, बक्सर के बगल, मैं बक्सर से हूँ तो बक्सर के बगल में एक टुटुआरी करके गाँव है बलिया में, तो वो कहते नेहा से प्लीज बोलना कि ये गा दे। बिल्कुल, ये अविनाश राय जी के लिए है, हथिया हथिया सोर कैले गदहो नाले अइले रे, धै तेरी की समधि मऊगा नौआ हसैले रे, आजा बाजा सोर कैले पिपहिरियो नाले अइले रे, चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हसैले रे। इसलिए हमारे शादियों में ये गाली भी गाते हैं यार, मतलब बिल्कुल अलग कल्चर है दोनों साइड से, जैसे मतलब जब लड़की वाले लड़के के साइड पहले आते हैं तो उसमें भी गाली गाई जाती है इस वाली साइड से, और मोस्टली मतलब महिलाओं को ही गाली पड़ती है उसमें भी और इधर से भी, तो ये कल्चर का पार्ट है बिहार के। वैसे तो शादी वाला कवर हो गया, लेकिन लोग गीत में ही आपने वो गाने, एक और कोई मतलब जो फेवरेट भोजपुरी शादी का गाना, चलनी के चालल दुल्हा
चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा बाबा के पसंद हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा कल छुल के दांगल बका लोलपुर के भागल हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा। 12 साल से दिल्ली में रह के मतलब काफी सारा नॉस्टैल्जिया जाग गया। गाली जो गाते हैं एक गाली वाला गाली? गीत भोजपुरी से शादी वाला। ठीक भाई, ई तो गाना जो हम गावे जा रहा बनी बहुत लोग सुन ले बा, हमरो के बड़ा निक लागेला। गारी ही है गुरहाथी जब होला। धीरे धीरे हो भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में आईहा भसुर धीरे धीरे, गहना देखावा भसुर खोलाई ताला अंगना में गारी आज सुनबा हो साला, हे टिकवा चढ़ाई हा भसुर धीरे धीरे है ना थियावा चढ़ाई हा भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई हा भसुर धीरे धीरे। इस क्वेश्चन का आंसर आप धीरे से दे सकती हैं। फेवरेट भोजपुरी गाली। फेवरेट भोजपुरी गाली मेरी मम्मी गाली देती थी exactly. मुझे जो गाली देती थी अच्छा, लेकिन वो तो बड़ा खतरनाक गाली देती थी। हम बीप कर देंगे अच्छा। पहले का दो लेटर, एक दो लेटर लेके बाकी हम बीप कर देंगे। और ये बड़ा अजीब अजीब टाइप का गाली है। अच्छा हाँ, मम्मी ने एक शब्द, पता नहीं इसका मतलब आप लोग समझते भी हैं, यानी मम्मी मेरे को अमान बोलती थी। अमान मतलब समझते हैं? अमान हो गई बिया, अपना मन के हो गई बिया। अमान मतलब हमारे मान में नहीं है। कई शब्दों में इसको अगर इंटरप्रेट कर तो हाथ से निकल गई बिया। हाथ से निकल गई है ये मेरी मम्मी हमेशा यूज करती थी, बड़ी अमान हो गई बड़ू। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। एक और हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, एक नहीं मतलब अगर फ्लुएंटली बगैर रुके 7-8-10 कोई दिक्कत। अच्छा, क्योंकि मैंने बड़ी चंट थी। हाँ। तो मेरी मम्मी एक गाली देती, चढ़बाकिन गाली देती थी। चढ़बाकिन ऐसे जो मतलब डोमिनेट करता। हाँ, है चढ़ के रहता। हाँ, चढ़बाकिन तो ऐसे बोलती थी। डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो है उसको भोजपुर के रीजन में हम लोग चढ़बाक चढ़बाक बोलते, लड़कियों को चढ़बाक किन बोलते हैं। सुशांत के डेथ पे गाना बना। हाँ, 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 जिसमें वो सलमान और अरे रे रे रे, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं। माँ की गाली बाप। हाँ, चीन। तो ये तो ये लहंगा में कोरोना वायरस वाला सिम्टम है या मतलब पहले से चला रहे हैं नया नया? तो बहुत पहले तो नहीं था, क्योंकि बहुत अगर भरत शर्मा जी के जमाने की अगर मैं बात कहूँ या फिर मैं बात करूँ शारदा सिन्हा जी की बात, तो उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन एक दौर उसके बाद आया इन दो चार लोगों का। मैं बस नाम नहीं ले रही हूँ, समझ आप भी रहे हैं। हाँ, अंडरस्टूड। तो इन लोगों ने गंदगी की शुरुआत की। ये लोग जो कहते हैं मुझे कि ये कला के साथ अन्याय कर रही है, ये वही लोग हैं, ये असली पापी यही लोग हैं। लेकिन जैसे एक आर्गुमेंट ये हो सकता है, जैसे काशीनाथ सिंह की किताब है काशी का 80 शुरू ही गाली से होती है, वो लिख रहे हैं कि मतलब बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं है, या ऐसे लोगों से के लिए नहीं जो कि गाली से ऑफेंड होते हो, या जैसे अनुराग कश्यप का सिनेमा है तो आर्ट में एक जो सेक्शन है एक पार्ट जो है उसमें गाली बहुत इंटीग्रल पार्ट है। मान के चलते कि मतलब बात ही नहीं कन्वे होगी अगर हम मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गाली उसमें फिट नहीं करेंगे, तो एक बात ये गुंजाइश है गालियों की। मैं एक बात बताऊं, रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है बिहार खाकी द बिहार चैप्टर। हाँ, हाँ। भाई साहब मैं आपको बताऊं उसमें भर भर के गाली का स्कोप है। एक तो पहले आप उसमें मैं हूँ जो लोकगीत बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बिहार के आपराधिक कल्चर को दर्शाया गया है। एक अपराधी वो भी बिहारी, अब समझ रहे हैं कितना गाली का स्कोप होगा। लेकिन उमा शंकर सिंह ने इतनी सावधानी से इतनी साफ सुथरे तरीके से लिखा है, भैया मैं आपको बता रही हूँ एक गाली नहीं है उसमें। भैया ये लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ना गंध मचाते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। जहां देखिए मैं पर्टिकुलर मैं किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ कि क्यों सिर्फ अनुराग कश्यप को ही मैं क्यों बोलूं, पर एक बात मैं आपको बोल रही हूँ कि होता क्या है कि जहां पे गाली दिए बिना ही चाहे छोटे कपड़े पहने बिना भी काम चल जाए वहां पे भी जबरदस्ती घुसाते हैं ये लोग, ये चीज होता है। पर मैं इसीलिए लहंगा में कोरोना वायरस घुसा दिया। अरे अब सोचिए लहंगा में कोरोना वायरस, लहंगे में ना कोरोना वायरस घुसाते, गुड्डू रंगीला एक सिंगर हमारे आके कोरोना वायरस यूजुअली म्यूकस से जा रहा था नाक और मुंह के रास्ते, आंख से भी नहीं जाता, कान से भी, दोनों जगह खुली है, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस का एक अलग रास्ता ढूंढा। सॉरी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये होता है तो आप क्या कह सकते हैं, तो ये सारी चीजें ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं हो सकती। ये कौन सा रास्ता ढूंढ रहे कोरोना वायरस के लिए? मतलब वही तो हम भी शॉक्ड हो जाते हैं। गालों के लिए जेल गया हमारे यहाँ के सिंगर्स, मतलब बिहार से
भोजपुरी बेल्ट के जो सिंगर्स है वो गानों के लिए जेल गए क्रिएटिवली वर्टी, लेकिन पंजाबी से पाला पड़ता है पंजाबी गाने। पता है पंजाबी गाने मुझे समझ में नहीं आते हैं पर उनका पंजाबी बीट वो मजा आता है, हाँ वो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज हरियाणवी गाना मुझे एक आता है, मामन गज का दामन पैन मटक चालूंगी, वो बड़ा अच्छा लगता है। अब एक जिप्सी वाला भी एक वायरल है। अच्छा ये भी है थानेदार बालम थानेदार चला हाँ, मेरा, हाँ, मेरा बालम थानेदार, हाँ, इन गानों पे हम लोग नाचते हैं है ना, हाँ। रील्स बनती इन पे, तो फेवरेट कोई तो पंजाबी का गाना होगा। ये मतलब पगला दीवाना टाइप ऐसे कुछ हम लोग ऐसे नाचते वाचते हैं, ऐसा फेवरेट नहीं है, सॉरी ये फेवरेट में नहीं है, बस ये ऐसे है कि शादी विवाह में कहीं बज रहा है तो ढिचुक ढिचुक कर लेते हैं। फेवरेट जैसा तो कुछ नहीं, समझ में बहुत आए तो फेवरेट बन जाए। जिला टॉप लागेलू के बाद के गाने हम क्यों नहीं बना पा रहे जो कि क्लब में बजे और बिहारियों को लगे कि हाँ ठीक है हमारे रीजन के गाने भी क्लब में बजाने के लायक हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इन लोगों ने लहंगा चोली सबसे पहले करके अपना दायरा ही सीमित कर लिया कि अब तो हम लहंगा से बाहर निकलेंगे। आपको पता है एक गाना इन्होंने लिखा लहंगा में घुसल सियार बा, अरे ढोड़ी में धान कूट रहे थे। ये तो अच्छा मेरे टाइमलाइन पे एक मैंने मतलब मेरे को लगा कि ये इस स्पेस में धान को कैसे कूटने का इमेजिनेशन लेके आ सकता है। और इसको मतलब ये कॉन्वर्सेशन फनी लग रही, पता नहीं क्यों, सॉरी आप कंटिन्यू करिए यार, पर ये बहुत गंभीर बात है। हंसी इसलिए है कि ये भी है, अच्छा हम तो यही सुने थे, ये भी है अभी जो आपने बताया कानून अश्लीलता के खिलाफ। नहीं नहीं कानून वाली बात नहीं, अभी जैसे एक मैंने बताया कि मैंने लहंगा में घुसल सियार बा और परधनवा के रहर में जैसी चीजें, तो आपने बताया कि एक यादव जी का बेटा, पांडे जी का बेटा, हाँ, तो शर्मा जी का बेटा, हाँ, तिवारी जी का बेटा, सारे बेटियां नहीं आ रही। हाँ, एक तो प्रॉब्लम है कि बेटियां गाना, खैर आप तो लिख रही है मतलब नहीं 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 आप एकदम सही। फीमेल गेज क्या होगा अगर लड़की ऑब्जेक्टिफाई करेगी बिहारी मर्दों को, तो वो कैसे ऑब्जेक्टिफाई करेगी, वो कहां धान कूटेगी। मतलब चोली का की लड़की इतनी बदतमीज नहीं होगी वो कि यही सब धान कूटेगी और टाइप के ऐसे गाने लिखेगी, बिहार की लड़की कभी ऐसी नहीं हो सकती है। अरे मैंने ऐसे ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें लड़कियां बिल्कुल बवाली डांस कर रही हैं एसी 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 पे, एसी 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 गाना एसी एसी एसी, मतलब मेरे को इसके बाद का मेरे को भी नहीं पता क्योंकि उसके मतलब ये कोई खराब गाना है, मतलब मिसोजिनिस्ट है, नारी विरोधी है, मेल गेज से लिखा गया गाना है वो जो चोली और लहंगे वाला गाना है। ऐसे ऐसे मतलब खैर रील बनी मंदिर के गेट पे चीजा तो फिर भी ठीक है। तो एक चीज मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा, हाँ, लड़कियों को बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं हम लड़कियों ने मिल करके इस चीज का विरोध नहीं, हाँ, मिला इसको विरोध नहीं किया, तभी इन लोगों का मन बड़ा। आपको पता है ये जो अपने आप को बड़ा बड़का बड़का कलाकार मानते हैं, ये मंचों पे इनकी अश्लील हरकतें हैं, वीडियो तो छोड़िए ये मंचों पे अश्लीलता करते हैं, लड़की को ऐसे वैसे छू देना टाइप की चीजें चल रही है। पंजाबी कल्चर का जो डोमिनेंस है लेजिट है, उनके यहाँ लोग आर्टिस्टिक है, वेस्ट में जा रहे हैं, उनका माइग्रेशन यूके यूएस कनाडा में है, वो उधर का म्यूजिक ले आ रहे हैं, वो उधर के रैप्स ले आ रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे होते हुए एकदम नहीं, दूर दूर तक नहीं। आपको पता है नया साल पे भोजपुरी में मुर्गा मुर्गी गाना बना है, मुर्गा एक कोई मुर्गी गा रहा है तो एक दूसरा कोई मुर्गा गा रहा है, सिर्फ इतना ही, हाँ मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी। हाँ आप कह रहे हैं ना ये विदेशों में जाएंगे ये लोग, हाँ। इनका जो है प्रचार प्रसार होगा, हाँ। ये मुर्गा मुर्गी का जस्टिन बीबर मतलब फेवरेट कोई अंग्रेजी गाना सुनती है अंग्रेजी ना 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 अंग्रेजी हिंदी हिंदी भी मैं नहीं सुनती हूँ, अंग्रेजी भी मैं नहीं सुनती हूँ, भोजपुरी भी मैं अगर मैं बात करूँ तो अभी का कोई ऐसा नहीं जिसको मैं सुनती हूँ। कभी कभी मन होता है तो एक नदिया के पार फिल्म का गाना है जब वो है जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तो वो मैं बड़ा सुनती हूँ, मैं जब सुनती हूँ बड़ी इमोशनल हो जाती है, बहुत अच्छे गाने है ना। मतलब मैं बोले तो उसके बाद कोई हिट एल्बम नहीं आया भोजपुरी का, वही तो उसी नॉस्टैल्जिया में बिहार जी रहा, मतलब बिहार वैसे ओवरऑल भी नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। दो शब्द मैं नाम लूंगा पर्सनैलिटी के, मिनिमम दो, दो शब्द मैक्सिमम दो सेंटेंसेस है ना, मनोज तिवारी कुर्ती के टूटल बा बटमिया घूमे लू बाजार में मोहनिया, दो शब्द निरहुआ निरहुआ सटल सटल रहे, किससे सटल, किससे सटल रहे, अभी तो निरहुआ जी बताएंगे किससे सटल रहे। ठीक है रवि किशन तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, गुड्डू रंगीला इतना घिनौना सिंगर है कि मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी, मेरा जो है जुबान गंदा हो जाएगा। खेसारी लाल
बड़े फूहड़ लोग हैं बाबा ये सब, पवन सिंह भी और नहीं तो क्या, ओ हो तक्षरा वो भी, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, माफ करिएगा पर मुझे नहीं अच्छी लगती है। पसंद है अपनी अपनी। हाँ। सलमान खान वो तो एक्टिंग करते भी नहीं। हाँ, तो मुझे उनकी भी नहीं अच्छी लगती है। आमिर खान, हाँ उनकी एक्टिंग अच्छी है। आमिर खान, हाँ अभी आपको पता है मैं रंग दे बसंती मैंने कई बार देखा है और अभी 10 दिन पहले भी मैंने देखा। तो मेला देखी एक बार, मेला भी देखी है, मेला भी देखी है। मुझे उनकी मेला तो आमिर खान ने देखने के बाद बोली कि मैं अब दोबारा नहीं देखूंगा मेला। अच्छा किसने बोला था? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आमिर खान को लगा होगा एक बार मेला देखने। अच्छा मेला मैंने बहुत पहले देखी थी, जब टीवी पे आया था तब देखी थी। हाँ। तो मुझे बहुत ऐसे याद नहीं आ रहा। हाँ लेकिन रंग दे बसंती की बात करेंगे तो बहुत, हाँ और उसमें रुला देती आमिर खान। अक्षय कुमार की एक फिल्म देखी केसरी, ओहो भाई साहब। जोकर देखी? जोकर पता नहीं, जोकर शायद मैंने देखी है। अरे भाई साहब वो आदमी अजीब एक्टिंग करते हैं। केसरी के अलावा एक और मूवी थी ना पृथ्वीराज चौहान। हाँ। अभी लास्ट में अच्छी थी, बहुत बेकार लगी, बहुत बेकार। ये गाने सुने झूम में जो पठानिया बेशरम रंग? हाँ हाँ सुना। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? दोनों ही अच्छा नहीं लगा। नहीं तो इन दोनों में से किसको बायकॉट किया जाना चाहिए? नहीं, बहिष्कार करने का हक मुझे नहीं है भाई। और हाँ। मैं क्यों, एक आदमी बहुत मेहनत से इस तरह के गाने बना रहा है। हाँ। मैं कौन होती हूँ बहिष्कार करने वाली? लेकिन हाँ पसंद तो मैं बता ही सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। सबसे गालियाँ, सबसे ज्यादा गालियाँ कहाँ मिलती है? फेसबुक पे सबसे ज्यादा गालियाँ। ट्विटर से भी? नहीं अब तो जर्नलिस्ट को ज्यादा गालियाँ ट्विटर पे मिलती है। हाँ और हम जैसों को, मैं आपको बता रही हूँ, ट्विटर एकदम टक्कर दे रहा है फेसबुक को। आज से 5-7 साल पहले, चाहे फिर 4 साल पहले भी इतना ट्विटर पे गंध नहीं था, लेकिन अब सारे लोग ट्विटर पे पहुंच रहे हैं एकदम झार के कि अब तो हम ट्विटर पे भी गंध मचा के रखेंगे। मैं इंस्टा एकदम नहीं चलाती हूँ, है ना? इंस्टा नहीं चलाती? बिल्कुल नहीं, रील्स नहीं देखती? बहुत कम इंस्टा पे मैं, बहुत कम। हम लोगों को क्या होता है कि 8-9 घंटे काम करने घर जाओ तो इस मोड से बाहर निकलने के लिए रील्स देखते हैं। कितने देर? ऑन एन एवरेज 15-20 मिनट, आधे घंटे। हम लोग कंजम्पशन पता करने की कोशिश करना कितने रील्स बनाने की जरूरत है। अच्छा, ताकि ऑडियंस को फंसा के रखे। अच्छा नहीं कभी कभी ना मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम कुछ नहीं, खाली बैठे पड़े। हिमांशु कहते हैं यार ये देख रही हो तुम ये देखती हो? मैं कहती नहीं हिमांशु, मजा आ रहा है देख करके। यूथ क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज कर रहा है? यंगस्टर्स कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा? इंस्टा। हाँ बिहार वाले भी माइग्रेशन हुआ है उसमें? अरे भाई साहब भर के इंस्टा की तरफ। अच्छा आपको पता है मेरे जो उम्र के हैं, जो 24-25 साल के बच्चे हैं, वो तुरंत ही कहते हैं इंस्टा आईडी क्या है आपकी? अब मैं कहती हूँ यार इंस्टा तो मैं बहुत कम चलाती हूँ, फेसबुक आईडी पूछो, ट्विटर आईडी पूछो, ये सब पूछो। अरे आप इंस्टा पे इतना कम एक्टिव रहती हैं, तो वो इंस्टा ही चलाते हैं। यूथ इंस्टा चला रहे हैं। हाँ। सबको इन्फ्लुएंसर भी तो बनना है। हाँ। सबसे बुरी ट्रोलिंग वाला तो हो गया। वैसे ट्रोलिंग से जुड़ा एक और उर्फी जावेद, पता है अभी पता चला है, एक वो जो किसके लिए इंटरव्यू कर रही थी आप ही के यहाँ, कौन थी? सान्या। हाँ। तो उन्होंने मुझे उनकी फोटो दिखाई। मैं पहला इंटरेक्शन हम नहीं करवाया। हाँ पहली बार मीडिया वाले पीछे पड़े उर्फी के, सॉरी। ओके कंटेंट उर्फी तो मतलब हम लोग क्वेश्चन कर। मैंने पहली बार उस महिला को देखा अभी तब, जब उन्होंने दिखाया कि उन्होंने भी इस पे सवाल किया कि ये है एक महिला जो इस तरह के कपड़े पहनती है। हाँ, सवाल क्या है आपके? मेरा क्वेश्चन ये कि बहुत विशेष ट्रोलिंग होती है जस्ट बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनती है। तो आपको लगता है कि उस जस्ट बिकॉज से किसी की एक पर्टिकुलर तरीके की पर्सनैलिटी हो, एक महिला को उस तरीके से ट्रोलिंग जस्टिफाइड है? देखिए जब हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। हाँ। और रोड पे उतर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें ना ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा है कोई व्यक्ति, उसके पीछे मानसिकता है मशहूर, उसको किसी भी तरह से मशहूर होना है, उसे किसी भी तरह से मीडिया कवरेज पानी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा है। दूसरी चीज, जब आपके अंदर योग्यता की कमी होगी तो आप नग्नता पे उतरेंगे, है ना? आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं, तो कुछ काम करिए ऐसा, है ना? तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है भैया कपड़े उतारते हैं, अब तो लोग नजर मुझसे, हाँ नजर अंदाज करके दिखाओ। तो मैंने देखा हमको सही नहीं लगा। आपको मतलब आप डिसएग्री करते हैं? ठीक है, इन पर्टिकुलर लड़कियां सिंगिंग एक्टिंग में आर्ट कल्चर के फील्ड में बिहारी लड़कियां क्यों नहीं आ रही? बहुत प्रेशर है फैमिली का। एक तो पहले ये प्रेशर कि बाहर जो लड़की फिल्मों में, बॉलीवुड वगैरह में काम करने जाती है तो उसको इंसान के रूप में देखा ही नहीं जाता है। अच्छा। एक या फिर इंसान की, थोड़ा सा बड़ा शब्द हो जाएगा, एक वर्ड है, बहुत गंदा वर्ड, उस नजर से देखा जाता है। बॉलीवुड में काम करती है, छोटे कपड़े पहनते, अरे रे, ब्रांडिंग इस तरीके की हो जाती है, सोशल फोबिया है। बिल्कुल अब सजेस्ट करेंगे बिहारी पेरेंट्स को कि इससे बाहर निकालने की जरूरत है?
यार बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, मैं खुद वहीं से तो लड़ जूझ करके यहाँ पे हूँ। अब आपको पता है मेरे गाँव वाले भी मेरी खिंचाई करते हैं, वो तो मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, कभी मैंने छोटे कपड़े भी नहीं पहने, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मैंने फुल कपड़े पहने हुए हैं, मैं सम्मानित तरीके से अपनी बात भी रखती हूँ, और इसके बावजूद भी मेरे घर वाले पूरी तरह से समझ चुके हैं। हाँ हाँ, नहीं रहे नहीं है, अब हो गए, लड़ना पड़ा उनसे भी, लड़ना पड़ा है, लेकिन गांव समाज वाले अभी भी गए थे, हाँ हाँ बड़ा गाना गावा था। अच्छा, गाना गाने वालों को ऐसे कुछ हुआ नहीं की इज्जत चला जाएगा, माइग्रेशन में इज्जत नहीं जाती, मास माइग्रेशन में। लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या लगता है कौन से रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है बिहार में? यार कोई एक हो तो मैं बताऊं। Exactly. To begin with. एक तो मुझे लगता है कि ये जो दो पार्टियां हैं, हाँ, जिन्होंने खून चूस के रख दिया है बिहार का, हाँ, इनको भी हटना चाहिए और कुछ नई पार्टी, कोई हाँ कोई नई पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ जो आए और एकदम से बिहार को बदल दे, वैसा चाहिए। आपको देख के जो लड़कियां इंस्पायर हुई होंगी और वो हिम्मत नहीं कर पा रही होंगी नचनिया बजनिया वाले जो टैग लगता है उसकी वजह से, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? बहन देखो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मुझे लगता है ना कि महिलाओं से ज्यादा कॉन्फिडेंट, महिलाओं से ज्यादा स्ट्रांग कोई है ही नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, हाँ एक धक्का की जरूरत है, तुम जरूर बाहर निकलोगी। अब तुम खुद सोचो यार, एक लड़की, एक बिहार के एक कोपचे गांव में रहने वाली लड़की अगर एक छोटी सी पहचान बना सकती है, तो मुझे पता है कि मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां भरी पड़ी हैं जो बस एक परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में जो है छुपी हुई हैं, कई बार वो गुमनाम हो जाती हैं, पर वहां से निकलो। ये अनकट के साथ इंटरेक्शन जेन्युइनली कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है? हाँ अच्छा, मुझे तब लगता है जब कोई एकदम औपचारिकता ना हो, जितने सारे लोग देख रहे हैं कृपया लाइक करें, इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आज तो हमें भी बुलाया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। नेहा जिस तरीके के गाने गा रही हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कई बार ऐसे बातचीत के मौके और आएंगे, तो अगर आप कमेंट में बताएंगे कि कोई ऐसी बात आप चाहते थे जो पूछी जानी चाहिए थी और छूट गई हो, तो हम अगले बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम वो सवाल ज़रूर ले लेंगे। आप देखते रहिएगा अनकट, मेरा नाम है जैसा कि नेहा ने बताया।